Hello students welcome to the session i hope you all are doing good our topic for today is conjunctions conjunctions are words that are used to join words sentences or group of words conjunctions are also called as joining words or connectors because they connect different sentences together they join two different type of sentences together they can also join the same type of sentences as well to make one sentence of two different sentences we use conjunctions conjunctions can be and but if or etc conjunctions are of many type there are various examples of conjunctions in today's session we will cover some of them let us first understand conjunctions through video फर्स्ट वी हैव एंड एंड इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट हैज ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेज जिसके आइडियाज सेम होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उसके अंदर हम एंड का यूज करते हैं लेट अस यगजाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट मोर केयरफुली द गर्ल इज़ शॉर्ट द गर्ल इज़ फैट है यू कैन सी द गर्ल इज़ शॉर्ट एंड फैट लाइक वी सेट एंड केयर द आइडिया इज सेम गर्ल के बारे में ही बात हो रही है सो वी विल यूज़ एंड इन बिटवीन कंजंक्शन के साथ आप सेंटेंस देख सकते हैं कंजंक्शन के साथ सेंटेंस होगा द गर्ल इज शॉर्ट एंड फैट जब रिलेटेड आइडियाज होते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है तब हम एंड कंजंक्शन का यूज करते हैं लड़स यन मोर एग्जाम्पल अनअरस्टैंड मोर केयरफुली आई लाइक टू रीड आई लाइक टू राइट Here is a child who is telling that he or reading karna bhi pasand reading. dono apni pasand ke mein bata raha hai likeness ke mein bata ra hai. So this is the related to one another. We can use and in between. I like to read and write. Now let us see the use of but. But is used to join words and sentences that have opposite ideas or they are in contrast. We also use but to show contrast. But ka use hota hai jabbi sentence me, group of words me, ideas jo hota hai, opposite hota hai. They are not related to each other. They are not matching with each other. They are opposite. They are showing the contrast. So we will use but in these type of sentences. Let us see example and understand more carefully. Baby is smart. Baby is lazy. Here the idea is different because here we can see one quality and one disquality. एक quality है और दूसरी quality नहीं है Smart है but lazy है तो यहाँ हम बट का यूज़ करेंगे बिकॉज इट शोज़ द डिफरेंट आइडियाज अगर हम दोनों ही उसकी वर्च्यू के बारे में बताते तो हम एंड लगाते बट हम कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं एक उसकी क्वालिटी बता रहे हैं और एक उसके बारे में बैड हैबिट बता रहे हैं सो वी विल से बट लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल आई अंडरस्टैंड बट मोर इजिली मोनू रैन स्लो मोनू वॉन द रेस हेयर आप देख सकते हैं ऑपोजिट आइडिया है क्यों क्योंकि मोनू तो धीरे भाग रहा है, स्लो भाग रहा है, लेकिन फिर भी वो रेस जीत गया लेकिन जब भी इसका वर्ड का यूज होता है तब हम बट लगाते हैं मोनू रैन स्लो बट वॉन द रेस नाउ लेट इस मूव फॉर्वर्ड एंड अंडरस्टैंड और इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेज वेन वी वॉन्ट टू शो और चॉइस जब हमें कोई भी चॉइस शो करनी होती है तब हम और का यूज़ करते हैं दो डिफरेंट चीज़ों में जब हमें कुछ एक ऑप्ट करना होता है तब हम और का यूज़ करते हैं और इज़ यूज़ टू शो चॉइस हेयर यू कैन सी एग्ज़ाम्पल आई कैन गो बाय बस आई कैन गो बाय कार आई कैन गो बाय बस उसके पास ऑप्शन है वो दोनों में से किसी भी एक चीज़ से जा सकता है तो दी कैन यूज आई कैन गो बाय कार और बस या तो वो बस से जाएगा या वो कार से जाएगा उसे सेंटेंस टू टाइम्स यूज करने की जरूरत नहीं है वो एक कंजंक्शन और का यूज़ करेगा और एक ही सेंटेंस में अपनी बात कंप्लीट कर सकता है लेटस ही वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट एन ऐप्पल आई वॉन्ट अ मैंगो आई वॉन्ट एन ऐप्पल और अ मैंगो दोनों में चॉइस दिखाने के लिए हम कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं नाउ लेट सी हियर एंड रीड दी सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड रे इज़ कुकिंग फूड सैम इज कुकिंग फूड द आइडिया इज सेम बोथ आर कुकिंग फूड दोनों फूड कुक कर रहे हैं आइडिया सेम है इसलिए हम एंड कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं रे एंड सैम आर कुकिंग फूड दोनों रे और सैम दोनों ही कुक कर रहे हैं फूड इसलिए हम एंड का यूज करेंगे ही इज़ एन ओल्ड मैन हिज फ्रेंड इज़ यंग ये ओल्ड है मगर उसके फ्रेंड यंग है लेकिन यहाँ क्या है ओल्ड और यंग दोनों ऑपोजिट है जब ऑपोजिट आइडियाज़ की बात होती है तब हम बट का यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं एक सेंटेंस में ये बताया गया है कि वो ओल्ड है और दूसरे में ये बताया गया है कि उसके फ्रेंड यंग है सो वी विल से ही इज एन ओल्ड मैन बट हिज फ्रेंड इज यंग बट इज़ द कंजंक्शन हेयर नेक्स्ट सैम वॉज फ्री यस्टरडे सैम वॉश द क्लोथ्स नाउ यू कैन अंडरस्टैंड सैम कल फ्री था इसलिए उसने कपड़े वॉश कर लिए इसलिए लेकिन सो दैट बिकॉज सैम वॉज फ्री यस्टरडे सो यॉश द क्लोथ्स हेयर द कंजंक्शन द जॉइंट टू सेंटेंसेज इज सो ये इस चीज का रीज़न बता रहे हैं जब रीज़न हमें बताना होता है तब हम बिकॉज सो so, का यूज करते हैं एंड बट सो आर कंजंक्शंस कंजंक्शंस आर वर्ड दैट सेंटेंसेस वी नो दैट फ्रेज़ेस और वर्ड्स सम अदर कंजंक्शंस आर फॉर अंटिल टुगेदर बिकॉज और बट सो एक्सेट्रा कंजंक्शंस बहुत सारे टाइप के होते हैं Although, for, until, because, or, but, so. These are the conjunctions. Hote Where to use and what? And is used to join two sentences. But is used to show the contrast or difference. Because and since are used to tell us the reason. Or is used to show a choice. Although and though are used to show opposite feeling or action. कोई भी ऑपोजिट फीलिंग या ऑपोजिट एक्शन है तब हम दो या ऑल दो यूज करते हैं वाइल एंड वेन आर यूज टू टेल वेन समथिंग हैपन्स टाइम ऑफ कोर्स की एक्शन ऑफ कोर्स की जब बात होती है तब वाइल और वेन का यूज किया जाता है दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे सेशन आई होप यू नाउ अंडरस्टूड अबाउट कंजंक्शंस